पंजाब यूनिवर्सिटी में नौजवान का कत्ल। जराए के मुताबिक जांबहक का 28 साला सोहेल हॉस्टल नंबर 1 में दर्जी था। सोहेल को तेज धार आले से कत्ल किया गया। तुलबा के मुताबिक पुलिस जाए वकुआ पर 2 घंटे ताखीर से पहुंची, जबकि फॉरेंसिक टीमें भी मौका पर पहुंच गईं। बसंत की शादी पर मौत की सजा। इस्लामपुरा में नौजवान कत्ल। जुबैर को लड़की के बाप ने गोलियां मारकर अपनी नींद सुला दिया। मकतूल के घर में कयामत सुखरा। अहले खाना गम की तस्वीर बन गए। कातिलों को सरेआम फांसी देने का मुतालिबा। मकतूल के भाई की मदियत में मुकदमा दर्ज। लड़की के वालिदैन नाना नानी फैसल अली दो नामालूम अपराध नामजद। कॉपी लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। पीटीआई रहनुमा शेख सईद पर कातिलाना हमला। 5 मुलजिमान के खिलाफ थाना मुगलपुरा में मुकदमा दर्ज। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। शाहबाग में 4 साला बच्चे को अगवा के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम वकास और विक्की भी गिरफ्तार। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लाहौर में आज पंजाब एनरोलमेंट पॉलिसी का इफ्तिताह करेंगे। गवर्नर पंजाब और वज़ीर-ए-आला पंजाब से अलग अलग मुलाकातें मुतवक्के। नाकिस कारकर्दगी पर वज़रा की वजारतों में रद्दोबदल का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म को साबिक हुकूमत की 10 साला कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के अस्पतालों के दौरे भी मुतवक्के। पंजाब में 198 मदारिस को हुकूमत ने तहवील में ले लिया। कलदम जमातों की 150 अरब रुपए से जायद की जायदादें जब्त की गईं। 38 स्कूल्स 6 कॉलेजेस को हुकूमत ने तहवील में लिया। 52 सरगर्म कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। पंजाब में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद रिपोर्ट तैयार। वजीर आजम इमरान खान को कल नेशनल एक्शन प्लान पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तान को पुरअमन बनाने का मिशन। नेशनल एक्शन प्लान पर तेजी से अमल दरामद। सिक्योरिटी इदारों का कलदम तंजीमों के खिलाफ क्रैकडाउन। जमात उद्दावा समेत दीगर तंजीमों के 60 से ज्यादा कारकुन गिरफ्तार। 16 मदारिस का कंट्रोल हुकूमत ने संभाल लिया। 9 डिस्पेंसरियां भी सरकारी तहवील में ले ली गईं। तमाम इजला में कलदम तंजीमों की जायदादों के लिए फोकल पर्सन और एडमिनिस्ट्रेटर तायुनात। डिप्टी कमिश्नर तारिक महमूद बुखारी और AC फजाइल मुदस्सिर फोकल पर्सन मुकर्रर। इलाज नहीं कराऊंगा, नवाज शरीफ का साफ इनकार। शरीफ खानदान की तीसरे रोज भी मियां साहब को मनाने के लिए मिन्नतें। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, फमजा शहबाज, खाजा आसिफ और जाति मौलिज डॉक्टर अदनान की 2 घंटे तक कोटलखपत जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात। मुझसे बार बार अस्पताल ले जाने की बात ना करें। इलाज के नाम पर सियासत और तजहीक बर्दाश्त नहीं कर सकता। नवाज शरीफ की मुलाकातियों से गुफ्तगू। मियां साहब की हालत तश्वीशनाक हो चुकी। उन्होंने किसी भी अस्पताल में दाखिल होने से इनकार किया। 3 बार वजीर आजम रहने वाले को तिबी सहूलतें मिलनी चाहिए। जेल हुकाम से गुजारिश है फौरी जेल में नवाज शरीफ के लिए लाइफ सेविंग यूनिट कायम करें। मरियम नवाज का वालिद से मुलाकात के बाद ट्वीट। नवाज शरीफ को कई दिन से मुसलसल एंजाइना की तकलीफ हो रही है। इलाज के मामले पर भी इंतकाम और सियासत करना अफसोसनाक है। नवाज शरीफ इलालत के बावजूद मुकम्मल हौसले में हैं और अल्लाह पर भरोसा किए हुए हैं। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा अहले खाना के इसरार के बावजूद उन्होंने अस्पताल मुंतकिल होने से माजरत कर दी। नवाज शरीफ के इलाज का मामला हुकूमत और नून लीग में डेडलॉक बरकरार। मुजाकरती कमेटी के इजलास में नून लीग का तहफात का इजहार। नवाज शरीफ के लिए इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट की सहूलत का मुतालिबा। खाजा सलमान रफीक का कहना है कि मेडिकल बोर्ड में मर्ज की तशखीस करने वाला डॉक्टर नहीं। बिशारत राजा ने कहा कि बैरून मुल्क से डॉक्टर मंगवाने की भी पेशकश की। इलाज के नाम पर सियासत नहीं करना चाहते। तमाम सहूलतें दस्तयाब हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद महकमा दाखिला की PIC रावलपिंडी अस्पताल और अल शिफा अस्पताल में इलाज कराने की तजवीज। नवाज शरीफ का किसी भी अस्पताल से इलाज कराने से इनकार। शहबाज शरीफ के दौर में अंधेरे खत्म नहीं हुए, सिर्फ लूट मार हुई। इदारों की मौजूदगी में कंपनियां बनाने का क्या जवाब था। शरीफ बरादरान मुल्क को ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह लूट कर पैसा लंदन भिजवाते रहे। साबिक हुकूमत में सिर्फ 2500 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल हुई। तवानाई के शोबे में करप्शन से मुतालिक सुबाई वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
कहा शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान पीपीडीसीएल में करप्शन में मुलविस हैं, जल्द व्हाइट पेपर लाने का भी ऐलान किया। 13 अरब रुपया पंजाब हुकूमत ने सिर्फ लाहौर की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में डालकर अपने प्यारों की जेबें भरी और उनको पैसे भी डॉलरों में देने हैं। शहर की सफाई के नाम पर खजाने की सफाई, नून लीग ने सफाई के नाम पर अपने प्यारों की जेबें भरी। रातों रात तुर्की की कंपनी बना दी गई, 115 करोड़ से शहर की सफाई होती रही। मियां असलम इकबाल का ऐवान में खिताब, अपोजिशन अरकान का सीटों पर खड़े होकर एहतजाज। मलिक अहमद खान ने इल्जामात की तहकीकात के लिए पार्लियामानी कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया, बोले कम टेंडर से पीटन कूड़ा साफ करवाया, लाहौर को कराची से ज्यादा साफ सुथरा बनाया। खजाने से करोड़ों खर्च, कारकर्दगी फिर भी सिफर। साफ पानी मंसूबे में ठेकेदारों की भी खूब लूटमार, 5 ठेकेदारों को 1 अरब 80 करोड़ रुपए की अदायगी, डीजी बल्दिया उस्मा ने खत में सब बता दिया। पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम, अस्पतालों में भी पनागाहें बनाने का फैसला, जेर तामीर 5 पनागाहों में डिस्पेंसरी के कायम पर भी गौर। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जेर सदारत इजलास, बोले अस्पतालों में पनागाहों के कयाम से मरीजों के अहले खाना को छत की सहूलत मिलेगी। मेहनतकशों के लिए अच्छी खबर, पंजाब हुकूमत ने मजदूर की कम से कम तनख्वाह 16,500 मुकर्रर कर दी। मेहनतकशों को मजदूर तहफ्फुज़ कार्ड भी देने का ऐलान, मजदूर कार्ड पर 30% सस्ती अशियाए खुरनोश खरीद सकेंगे। वजू का पानी पौधों को दिया जा सकता है, निमरा मस्जिद समेत 23 मसाजिद के साथ टैंक बना दिए। दाता दरबार में टैंक बनाने से एक रोज में 1,00,000 गैलन पानी बच सकता है। वजू का पानी पार्क्स में लगाया जाएगा और बिजली भी बचेगी। चेयरमैन वाटर कमीशन जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी की लाहौर न्यूज के प्रोग्राम तमाशा में गुफ्तगू, पानी के मसले पर शऊर उजागर करने पर लाहौर न्यूज की काविशों को सराहा। पंजाब असेंबली एमपीए हॉस्टल में डे केयर सेंटर का इफ्तिताह, वजीर कानून बिशारत राजा, डॉक्टर यास्मीन राशिद और चौधरी जहीरुद्दीन शरीक। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं खवातीन को सहूलियत फराहम करना पीटीआई का मिशन है। पंजाब भर के बड़े टीचिंग अस्पतालों में डे केयर सेंटर कायम करने का ऐलान। जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा, पीटीआई खवातीन को सबसे ज्यादा मुलाजमतें देगी। तरक्की याफ्ता मुआशरों में खवातीन मर्दों के साथ काम करती हैं, जल्द पाकिस्तान में भी खवातीन के पीएसएल के मुकाबले होंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का गवर्नर हाउस में तकरीब से खिताब। लोड शेडिंग ना इजाफी बिल की परेशानी, जदीद मीटर लगाओ बिजली खुद बनाओ, नेट मीटरिंग मंसूबे में बड़ी पेशरफ्त। 361 बिजली सार्फिन को बिजली पैदा करने का लाइसेंस जारी, सोलर पावर सिस्टम के जरिए 8,000 किलोवाट बिजली की पैदावार शुरू, सार्फिन इजाफी बिजली लेस्को को फरोख्त कर सकेंगे। हुकूमत का महंगा हज पैकेज चैलेंज, सस्ता हज मुमकिन, प्राइवेट टूर्स ऑपरेटर्स की सस्ता हज करवाने की बड़ी पेशकश, 4,76,000 के बजाय 3.5 लाख रुपए में हज करवा सकते हैं। निजी टूर ऑपरेटर्स की हाई कोर्ट में दरखास्त, अदालत हमें कोटा फ्राहम करने का हुक्म जारी करे इस्तदा। हाई कोर्ट ने फूड अथॉरिटी को छापों की फुटेज की तस्वीर से रोक दिया, फूड पॉइंट से लिए गए सैंपल्स का तहफ्फुज यकीनी बनाने की हिदायत। पकड़ा गया नाकिस तेल, दरिया या नहर में ना डाला जाए, गंदे पानी से सब्जियों की पैदावार को रोका जाए, सरकारी पानी जहां से आ रहा है वहां से चेक करें। हाईकोर्ट में अशियाए खुरनोश से मुतालिक दरखास्त पर समाप्त, अदालत का डीजी फूड अथॉरिटी को हुक्म। महकमा एंटी करप्शन को पीएचए में भी करप्शन नजर आ गई, किस अफसर ने कितनी करप्शन की, साबिक अफसरान के खिलाफ तहकीकात के लिए रिकॉर्ड तलब, डायरेक्टर फाइनेंस का 2 रोज में तफसीलात फराहम करने का अल्टीमेटम।
पुरतायुष जिंदगी गुजारने वाले कितना टैक्स देते हैं, असासे कितने हैं, एफबीआर ने अमीर जादों के गिर्द शिकंजा कस दिया। लाहौर की 65 शख्सियात की फहरिस्त तैयार, लाइफ स्टाइल और गोशवारों का मुआवजना किया जाएगा। कौमी टीम में भी तब्दीली, शोएब मलिक कौमी वनडे टीम के कप्तान मुकर्रर, सरफराज अहमद ड्रॉप। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान, उमर अकमल, यासिर शाह और जुनैद खान की वापसी, मोहम्मद हफीज और हुसैन तल्लत को भी आराम देने का फैसला। खवातीन के आलमी दिन पर लेडीज पार्क में रंगारंग तकरीब, फनकारों ने लोकगीतों पर परफॉर्मेंस का मुजाहिरा करके तकरीब को चार चांद लगा दिए। हाजरीन पंजाबी गीतों पर खूब लुत्फ अंदोज होते रहे।